नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा रेजिमेंट में और आपके साथ मैं हूं यशी दुबे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस से जुड़ी अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि इंडियन डिफेंस का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस की टॉप 5 खबरों पर। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट। चीन ने 2023 में भारतीय नागरिकों को 1,80,000 वीजा किए जारी। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियाओजियान ने बताया कि 2023 में भारतीय नागरिकों को 1,80,000 से ज्यादा चीनी वीजा जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत में चीनी दूतावास ने चीन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए कई उपाय किए और चीन से भारत आने वाले लोगों के लिए सामान्य वीजा चैनल फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए जल्द से जल्द भारत की यात्रा करने वाले चीनी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा चैनल फिर से शुरू होगा। भारत पश्चिमी और पूर्वी तटों पर दोहरे मिसाइल परीक्षण की कर रहा तैयारी। भारतीय रक्षा अनुसंधान विंग का हवाला देते हुए बताया गया है कि भारतीय सशस्त्र बल देश के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर दो अलग अलग मिसाइल परीक्षणों के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें 22 से 23 जनवरी 2024 को होने वाला पहला परीक्षण अरब सागर में कारवार के तट से 240 किलोमीटर दूर एक निर्दिष्ट क्षेत्र में होगा। इसी के चलते भारतीय अधिकारियों ने एयरमैन को नोटिस जारी कर जहाज आधारित प्रक्षेपण का संकेत दिया है। इस नोटिस में बताया गया है कि परीक्षण में भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस शामिल हो सकता है। वहीं दूसरा परीक्षण 24 से 25 जनवरी 2024 को विशाखापट्टनम के पूर्वी तट पर होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा यहां गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवाज सुनी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों से उनकी आर्थिक सुरक्षा को कमजोर करने वाली सांद्रता को चुनौती देने का आह्वान किया और कहा कि एनएम की आवाज यहां रहने और बढ़ने के लिए है। आपको बता दें युगांडा की कंपाला में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय वक्तव्य में विदेश मंत्री ने एक संशोधित संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनएम अपने 7वें दशक में प्रवेश कर चुका है। अब दुनिया बदल गई है और हमारी क्षमताएं और आत्मविश्वास भी बदल गया है, इसलिए हमें अपना हक मांगने में साहसी होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 35 रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में डाक पुल स्थल से 670 करोड़ की 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें उत्तराखंड में जोशीमठ मलारी रोड पर डाक पुल पर सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित समारोह में राजनाथ सिंह ने 6 सड़कों और 29 पुलों का उद्घाटन किया है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि पुल का निर्माण होने से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और इससे पर्यटक आकर्षित होंगे, जिससे स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर ने रात में टारगेट को किया है। भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर रुद्र हेलीकॉप्टर के रात के अंधेरे में टारगेट को हिट करने की जानकारी दी है। आपको बता दें ये देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसका निर्माण भारतीय सेना और वायु सेना की आवश्यकताओं के मद्देनजर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का वजन 5.8 टन वही रुद्र हेलीकॉप्टर 52 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 16.4 मीटर है और इसकी रफ्तार 291 किलोमीटर प्रति घंटा की है। वही इसकी रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अल्फा रेजिमेंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।